बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस हमारा ये है कि हम ऐसे फंक्शंस को एक सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या फंक्शन को सीरीज से अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। कैलकुलस के अंदर आप लोग ने इस तरह की सीरीज डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास फंक्शन जो था उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया जाता था एक ऐसी सीरीज से जिसमें मतलब ऐसे पॉइंट के अबाउट सीरीज आप एक्सपेंड करते थे जहां पे फंक्शन एनालिटिक होता था, मतलब डिफरेंशिएबल होता था। हमारे पास इधर ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम के अबाउट सीरीज एक्सपेंड करना चाह रहे हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो एक नई तरह की सीरीज हमारे पास, न्यू काइंड की सीरीज है जो कि हमारे पास यहाँ पे डेवलप होती है, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर हम जो है इसको फिर बाकी आगे फिर बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे पास इसके अंदर है वो है सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर कहते हैं कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पॉइंट जेड नॉट के ऊपर एनालिटिक नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। एज अ पॉइंट जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट का नाम सिंगुलर पॉइंट होता है। तो हम यानी के ये चीज स्टडी करना चाह रहे हैं कि फंक्शन अगर एनालिटिक ना हो यानी के सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जो है सीरीज किस तरह से एक्सपेंड की जाएगी। आप लोगों ने कैलकुलस में टेलर सीरीज और मैकलॉरिन सीरीज पढ़ी थी। मैकलॉरिन सीरीज वैसे तो स्पेशल केस टेलर सीरीज का ही होता है। एनीवे तो टेलर सीरीज के अंदर हम ये कहते थे कि आपको सीरीज एक्सपेंड उस वक्त होती थी, मतलब उसकी एक कंडीशन होती थी कि वो सीरीज उसी वक्त एप्लीकेबल है इफ फंक्शन इज एनालिटिक, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आप सीरीज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। इधर यानी के हमारे पास थोड़ा सा एक जर्नलाइज किस्म की सीरीज है, इसमें हमारे पास इस तरह की चीजें ऐसी सीरीज आएगी जिसमें मतलब आपके फंक्शन एनालिटिक ना उस पॉइंट के अबाउट आप सीरीज एक्सपेंड करोगे। तो हम जो है हमारी जो सीरीज है उस सीरीज का नाम है लॉरेंट सीरीज। और लॉरेंट सीरीज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फंक्शन लेट सपोज आपका एनालिटिक है विद इन द एनुलर डोमेन, एक एनुलर डोमेन दी हुई है और एनुलर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इनका सेंटर जेड नॉट है, इसमें अंदर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस लेट सपोज स्मॉल है और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस लेट सपोज कैपिटल आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि भाई लेट सपोज दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस एनुलर डोमेन। तो हमारे पास जो फंक्शन है इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस फॉर्म की होती है। अगर आप इस सीरीज को थोड़ा सा गौर से देखें हमारे पास इस सीरीज के अंदर दोनों तरह की पावर्स आ रही हैं। इसमें पॉजिटिव पावर्स भी आ रही है। अगर आप ये जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है फर्स्ट समीशन जो है इसमें अगर आप इस समीशन को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें पॉजिटिव पावर्स आएंगी, और अगर आप सेकंड समीशन को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें नेगेटिव पावर्स आएंगी। तो इस सीरीज को हम लॉरेंट सीरीज कहते हैं। लॉरेंट सीरीज की खसूसियत यही होती है कि इसके अंदर पॉजिटिव टर्म्स मतलब पॉजिटिव पावर्स वाली टर्म्स और नेगेटिव पावर्स वाली टर्म्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। टेलर सीरीज के अंदर सिर्फ पॉजिटिव पावर वाली टर्म्स थी और उसके अंदर कंडीशन ये होती थी कि आपका फंक्शन जो है जहाँ पे एनालिटिक है उसी के अबाउट आप टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एनालिटिसिटी इज नॉट अ कंडीशन। अगर आप देखें जेड इजिकल्स टू जेड नॉट के ऊपर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, सिंगुलर पॉइंट है, उसके बावजूद आप जेड इजिकल्स टू जेड नॉट के ऊपर एक सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट है दिस इज योर नेगेटिव पावर्स वाली टर्म्स। तो हमारे पास ये जो टर्म्स आ रही हैं दो, अगर आप इनको देखें तो इन दो टर्म्स के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म्स हैं ये अगर आप सिर्फ इनको देखें तो दिस इज जस्ट लाइक पावर सीरीज। यानी कि अगर ए एन में अगर डेरिवेटिव्स वगैरह इन्वॉल्व कर दूं तो ये तकरीबन वही चीज बन जाती है, टेलर सीरीज वाली फॉर्म बन जाती है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म्स वाली टर्म्स हैं उनको हम एनालिटिक पार्ट कहते हैं, लॉरेंट सीरीज का एनालिटिक पार्ट कहलाता है। और जो नेगेटिव टर्म्स वाली नेगेटिव टर्म्स हैं इनको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं।
तो हमारे पास लॉरेंट सीरीज में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक एनालिटिक पार्ट होता है जिसके अंदर पॉजिटिव पावर्स वाली टर्म्स होती हैं, और दूसरा प्रिंसिपल पार्ट होता है जिसमें नेगेटिव पार्ट्स वाली टर्म्स होती हैं। अब एन और बी एन ये कैसे डिटरमाइन होगा? तो एन और बी एन का जो फॉर्मूला होता है, ए एन और बी एन के फॉर्मूलाज हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा कॉन्टूअर इंटीग्रल्स हैं, ये कॉन्टूअर इंटीग्रल से इन फॉर्मूलाज को निकाला जाता है। और ये जो कॉन्टूअर इंटीग्रल्स हैं, इसके अंदर जो सी है, व्हाट इज सी? सी के बारे में कहते हैं ये कोई भी सिंपल क्लोज कर्व है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज इसको इसकी ओरिएंटेशन होती है। और इसमें ये सी लाए कहाँ पे करेगा, इसको समझने के लिए ये फिगर आप अगर इसको देखें, एन और बी एन का ये फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। अब इसमें इन दोनों फॉर्मूलाज में जो कॉन्टूअर इंटीग्रल है, इस कॉन्टूअर इंटीग्रल में जो सी है ये सिंपल क्लोज कर्व, और सिंपल क्लोज कर्व जो है ये कहाँ लाए करेगा, उसको समझने के लिए हमने एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया। आप अगर लॉरेंट सीरीज की डेफिनेशन दोबारा देखें, ये कह रहा है कि फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस एन्यूलर डोमेन। तो ये एन्यूलर डोमेन जो है, ऐसी एन्यूलर डोमेन है जिसका सेंटर जो है, मतलब एन्यूलर डोमेन का मतलब होता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और उन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो बीच का पार्ट होता है डेट इज इंक्लूडिंग। तो मैंने भी यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, एक इंटीरियर सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर, और बाहर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस इज कैपिटल आर। इन दोनों का जो बीच का पार्ट, इसको मैंने येलो से शेड किया हुआ है। ये येलो से शेड करने का मतलब है ये आपका फंक्शन इस जगह पे एनालिटिक है, येलो पार्ट के अंदर फंक्शन इज एनालिटिक। तो हम ये बात कर रहे थे कर्व कहाँ पे लाया करेगा, ये कर्व जो है सिंपल क्लोज कर्व ऐसे लाया करते हैं, बाहर वाले सर्कल के अंदर होता है, और ये समझ लें कि दोनों सर्कल्स के बिटवीन में ये लाया करता है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में ये सिंपल क्लोज कर्व लाया करेगा। इट माइट बी एनी सिंपल क्लोज कर्व, इट माइट बी सर्कल, इट माइट बी एलिप्स, और इट माइट बी एनी सिंपल क्लोज कर्व। तो ये हमारे पास सी है, इस सी के अलोंग हमें ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ये इंटीग्रल का फॉर्मूलाज लिखें, ए एन को अगर आपको निकालना हो एनालिटिक पार्ट तो इसको इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, बी एन को इस फॉर्मूले से एवेलुएट किया जा सकता है। तो ये हमने लॉरेंट सीरीज को डिफाइन किया। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम इसको सॉल्व करते हैं, और इस पर फर्दर कुछ डिस्कशन है वो करते हैं। अच्छा, ये जो लॉरेंट सीरीज है, अब इसकी अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें कि ये कहाँ पे ये लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो सीरीज की कन्वर्जेंस होना बहुत जरूरी है। टेलर सीरीज में भी आप उसकी कन्वर्जेंस का देखते थे कि उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा और वो कन्वर्ज कहाँ पे करेगी। तो इधर भी हम एक बात कहते हैं कि लॉरेंट सीरीज में दो पार्ट्स हैं, एक एनालिटिक पार्ट है और दूसरा प्रिंसिपल पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग अगर कंसिडर किया जाए, तो एनालिटिक पार्ट के बारे में हमें कहते हैं कि एनालिटिक पार्ट विल कन्वर्ज फॉर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। और अगर प्रिंसिपल पार्ट की कन्वर्जेंस की बात करें तो ये कन्वर्ज करता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर के लिए। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एनालिटिक पार्ट ये कन्वर्ज करता है फॉर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, मतलब जो बाहर वाला सर्कल है उसके अंदर अगर आप रहते हुए बात करेंगे तो एनालिटिक पार्ट वहां पे कन्वर्ज करता है, और अगर ये अंदर वाले सर्कल से बाहर बात करते हैं, मतलब इससे बाहर ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये उसके लिए कन्वर्ज करता है। तो अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन कर दूं, वी विल गेट आर लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन कैपिटल आर। ये एनुलर डोमेन के अंदर आपके पास ये लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज करेगी, मतलब योर लॉरेंट सीरीज जो है कन्वर्जेस इन दिस रीजन, ये आर इस रीजन के अंदर आपकी लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज करेगी। इस रीजन से बाहर आप निकलेंगे उससे पे ये लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। ये बात माइंड में रखिएगा, ये जो जेड नॉट है दिस इज अ सिंगुलर पॉइंट, आप सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सीरीज निकाल लें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज जो है जनरलाइज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें
आप सिंगुलर पॉइंट के ऊपर भी आप सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, जबकि टेलर सीरीज में ये फैसिलिटी नहीं थी। अब जो है एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक्सपेंड करना है, एक फंक्शन दिया हुआ साइन जेड ओवर जेड की पावर 5, और इसको एक्सपेंड करना है फॉर द एन्यूलर डोमेन मॉड ऑफ जेड। अच्छा, वो बाकी रेडियस तो बाद की बात है, उनके रेडियस क्या लिखे हुए हैं। जो सेंटर में जो चीज लिखी है, तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ये जेड नॉट के अबाउट आपको यानी कि सीरीज निकालनी है। जेड नॉट इस केस में कुछ नहीं लिखा, यानी कि जेड नॉट इज जीरो, जीरो के अबाउट इस सीरीज एक्सपेंड करनी है। क्लियरली नजर आ रहा है जीरो के ऊपर, जीरो ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, यानी कि जीरो जो है जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो यानी कि एक तरीके से सिंगुलर पॉइंट है। आप सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सीरीज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो इधर सिंगुलर पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है टेलर सीरीज इज नॉट एप्लीकेबल, सो वी हैव टू अप्लाई मतलब लॉरेंट सीरीज से हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप रिकॉल करें साइन जेड, आप देखिए मैं जीरो के ऊपर एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, तो जीरो के ऊपर अगर मैं सिर्फ साइन जेड की बात करूं, ओनली फॉर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं साइन जेड एक फंक्शन है, तो जीरो के अबाउट अगर आप साइन जेड को एक्सपेंड करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे मैकलॉरिन सीरीज अप्लाई की जाती है। अभी मैं तेरे न्यूमरेटर को कंसीडर कर रहा हूँ, तो साइन जेड की मैकलॉरिन सीरीज वी नो बहुत ही फेमस सीरीज होती है, जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और प्लस जेड की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल और एक और लिख लेते हैं जेड की पावर 9 ओवर 9 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मैकलॉरिन सीरीज ऑफ साइन जेड। साइन जेड के बारे में वी नो दिस इज एन एंटायर फंक्शन, ये हर जगह एनालिटिक होता है। जेड इज इक्वल टू जीरो के अबाउट में अगर इसकी मैकलॉरिन सीरीज लगाऊंगा, तो ये बहुत ही फेमस सीरीज है। आप इसको कैलकुलस में जाके रिविजिट करके आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली ये सीरीज एक्सपेंड हो जाती है बाय यूजिंग मैकलॉरिन सीरीज। बहरहाल मैकलॉरिन सीरीज इज नॉट माय टॉपिक, साइन जेड की ये मैकलॉरिन सीरीज है। अब मैं अगर एक काम ये करूं, मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन जेड अपॉन जेड की पावर 5 चाहिए, तो अगर ये जो मेरे पास ऊपर ये जो इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इसमें दोनों साइड पे जेड की पावर 5 को डिवाइड कर दूं, तो वी विल गेट ये भी हो जाएगा 1 ओवर जेड की पावर 5 और जेड माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस जेड 7 ओवर 7 फैक्टोरियल और प्लस जेड की पावर 9 ओवर 9 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। अगर मैं इसमें एलसीएम ब्रेक कर दूं, या कह लें कि इसमें हर टर्म से डिवाइड कर दूं जेड की पावर 5 को, तो ये आ जाएगा 1 ओवर जेड की पावर 4, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट 1 ओवर जेड का स्क्वायर, दिस इज योर 1 ओवर 5 का फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे अगेन यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव होना शुरू, सॉरी हाँ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ तक पावर्स नेगेटिव थी, और 1 ओवर 5 फैक्टोरियल को मैं एनालिटिक पार्ट के अंदर ही लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर आप लॉरेंट सीरीज देखें, तो लॉरेंट सीरीज जो मैंने लिखा हुआ है उसमें एन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। एन इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कॉन्स्टेंट ओनली, तो कॉन्स्टेंट भी एनालिटिक पार्ट के अंदर लिखा जाता है, तो 1/5 फैक्टोरियल जो आ रहा है ये हमारा एनालिटिक पार्ट के अंदर मैं इसको लेके जाऊंगा। तो एनीवे जेड 7/z की पावर 5 इट विल बी जेड स्क्वायर ओवर 7 फैक्टोरियल, और इसी तरह से जेड की पावर 4 हो जाएगा,
ओवर 9 फैक्टोरियल माइनस 1 का अगर मैं और लिखूं आगे, आपको पता है इसमें आगे z की पावर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल होगा, तो ये हमारे पास थोड़ा छोटा कर लो, ये हो जाएगा 11 अपॉन 5, तो ये z की पावर 6 हो जाएगा अपॉन 11 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो यानी कि ये वाली जो है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको, ब्रैकेट की यूं देखा जाए कि सोल्यूशन में जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं सेपरेट करने के लिए ये जो ब्रैकेट लगाया, दो ब्रैकेट्स मैंने लगाए यहाँ पे, तो दो ब्रैकेट्स जो लगाए, इन दो ब्रैकेट्स को अगर आप देखें, ये वाली जो टर्म्स हैं दी, यहाँ पे आपके पास आ रही है नेगेटिव पावर्स, और ये वाली टर्म्स में आपके पास आ रही है पॉजिटिव पावर्स। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई सा एक पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं ना लॉरेंट सीरीज के, एक एनालिटिक एक प्रिंसिपल, ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्ट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, दूसरे पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, या वाइस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के अंदर इनफाइनाइट हो। बहरहाल इस वाले केस में आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव पावर्स वाली जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट है, सिर्फ तीन टर्म्स हैं। ये जो है मैंने एक चीज यहाँ पे, सॉरी दो टर्म्स है, हाँ दो टर्म्स है, ये तो दो टर्म्स है जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव पावर्स आ रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज और दिस इज योर एनालिटिक पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज, दिस इज योर एनालिटिक पार्ट। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट जो आया, अब अगर मैं इनकी कन्वर्जेंस की बात करूं, तो अभी हमने प्रीवियस पेज के अंदर देखा था कि एनालिटिक पार्ट कन्वर्ज करता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर के लिए, और प्रिंसिपल पार्ट इसके लिए कन्वर्ज करता है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका प्रिंसिपल पार्ट आया था, इसमें दो टर्म सिर्फ आ रही है, योर प्रिंसिपल पार्ट विल कन्वर्ज फॉर, ये कन्वर्ज करेगा किसके लिए, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए कन्वर्ज करेगा, जबकि योर एनालिटिक पार्ट जो है दिस विल कन्वर्ज फॉर मॉड ऑफ जेड लेस देन इंफिनिटी के लिए। वैसे ये नेचुरल है, एनालिटिक पार्ट के बारे में हमें पता है कि ये साइन जेड के बारे में देखा जाए, मैकलॉरिन सीरीज जो है ये हर जगह एनालिटिक होता है, साइन जेड तो ये हर जगह एनालिटिक है। लेस देन इंफिनिटी का मतलब व्हाट इज दिस, लेस देन इंफिनिटी दिस इज योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसका रेडियस इंफिनिटी होता है क्योंकि ये हर जगह एनालिटिक होता है। तो हमारे पास ये जो है, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि योर लॉरेंट सीरीज विल कन्वर्ज इन दिस एन्यूलर डोमेन, यानी कि लॉरेंट सीरीज विल कन्वर्ज इन दिस डोमेन, लॉरेंट सीरीज कन्वर्जेस हेयर, इधर आपकी लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज करेगी इस रीजन के अंदर। एक एग्जाम्पल हमने की, कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल, अगर आपने इसको सही से समझ लिया, तो आप समझ लें कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए लॉरेंट सीरीज का, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसमें अगर आप पहले देखें, फंक्शन आपको दिया हुआ 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1, तो क्लियरली आप इस फंक्शन को देख सकते हैं, दिस फंक्शन इज हैज टू सिंगुलरिटीज, एक z इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है, दूसरी z इज इक्वल टू 1 के ऊपर आ रही है। आपसे कह रहा है कि इस फंक्शन को एक्सपेंड करें इन द फॉलोइंग एनुलर डोमेन्स, चार पार्ट्स हैं, चारों को अलग अलग कंसिडर करना है। सबसे पहले अगर आप इसके अंदर पार्ट ए के अंदर देखें, आपको जो एनुलर डोमेन दी हुई है, ये तो खैर पार्ट ए तो वेरी सिंपल, इसमें अगर मैं इस पार्ट ए की एनुलर डोमेन बनाऊं, सबसे पहले मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, इन पार्ट ए अगर मैं इसको सबसे पहले इसको प्लॉट करूं, थोड़ा रफली सी फिगर बना रहा हूं, मेरे पास मॉड जेड लेस देन 1, यानी के ये मेरे पास कुछ सिचुएशन है, और इसमें ऑब्वियसली इसकी बाउंड्री विल नॉट बी इंक्लूडिंग,
ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर इज एट ओरिजिन जेड नॉट जो है, देखें इसमें मुझे नजर आ रहा है मॉड जेड माइनस जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट क्या होगा इस केस में, इस केस में जेड नॉट इज जीरो, तो जेड नॉट हेयर इज जेड नॉट इज जीरो। ये कह रहा है कि मॉड जेड लेस देन वन और जीरो इसे ग्रेटर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, डिलीटेड नेबरहुड के नाम से एक टॉपिक डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 के अंदर था जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई मॉड जेड लेस देन वन का मतलब इस सर्कल के अंदर, और मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो, दो चीजें ना, मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि सर्कल का सेंटर ये इंक्लूड नहीं है, इसको हम डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं। तो हमारे पास ये एनुलर डोमेन दी हुई है, अब इस एनुलर डोमेन को यूज करते हुए मुझे इस लॉरेंट सीरीज को एक्सपेंड करना है। मेरे पास फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड जेड माइनस वन, यानी कि मुझे इसमें 1 अपॉन जेड की पावर्स, पावर्स जो चाहिए वो 1 अपॉन जेड की चाहिए, मतलब तो 1 अपॉन जेड ही एज इट इज रहेगा। अगर मैं ये जो लिखा हुआ है डॉट 1 अपॉन जेड माइनस वन, अगर मैं इस चीज को यू लिख लू 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन की पावर, एक्चुअली हमें यहाँ पे सेंटर जो है जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो को बना रहे हैं, तो इसलिए मैं 1 अपॉन जेड के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। बाकी 1 अपॉन जेड माइनस वन है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाके पावर माइनस वन कर दूँ तो वी नो इसके ऊपर इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास जो बन जाएगा -1 अपॉन जेड, और इसको मैं यू लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड की पावर माइनस वन, मतलब इसमें जब -1 आप कॉमन निकाल लें तो थोड़ी सी काम वर्किंग आसान हो जाएगी। मैं फर्दर वर्किंग इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट इसी स्लाइड के ऊपर पूरा सॉल्व हो जाए। तो ये -1 अपॉन जेड आ गया, और ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सोन। थोड़ा तो दोबारा बता दूं, मैंने 1 अपॉन जेड के ऊपर वर्किंग छोड़ा, इसको इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि मैं चाह रहा था पावर्स, मतलब ये पावर्स 1 अपॉन जेड की ही चाहिए, बिकॉज इसकी वजह ही है, मतलब जेड की पावर्स ही चाहिए, मतलब जेड इज द सेंटर ऑफ द सीरीज, तो सेंटर ऑफ द सीरीज है तो जेड इज इक्वल टू जीरो, ये सिंगुलर पॉइंट है इसलिए आप इसको नहीं छेड़ेंगे। बाकी इसके ऊपर मैंने वर्किंग की, तो मैंने थोड़ी वर्किंग ये की कि माइनस माइनस कॉमन लेके इसको ऊपर ले गया, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपने किया। अगर आप इसको एक्सपे 1 अपॉन जेड जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -1 अपॉन जेड, और दिस इज -1 माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर अप टू सोन। तो यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट जो आया एक ही टर्म है, जिसमें प्रिंसिपल पार्ट के अंदर और जिसमें नेगेटिव पावर आ रही है, बाकी ये सारी एनालिटिकल पार्ट, एनालिटिक पार्ट है जिसमें आपके पास पॉजिटिव पावर्स आ रही है, कांस्टेंट एनालिटिक पार्ट के अंदर ही लिखा जाता है। तो ये तो खैर पार्ट बहुत ही सिंपल सा था जिसमें आपने लॉरेंट सीरीज इस पर अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर दिया इस फंक्शन को। सेकेंड पार्ट में अगेन फंक्शन इज सेम, लेकिन इसमें रीजन डिफरेंट है, मॉड जेड ग्रेटर देन वन कह लें या 1 लेस देन मॉड जेड, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरे पास लिखा हुआ पार्ट बी में मॉड जेड ग्रेटर देन, ओहो सॉरी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ, यानी कि आपके पास जो गिवन सीरीज, जो आपके रिक्वायर्ड सीरीज है, दैट रिक्वायर्ड सीरीज विल कन्वर्ज इन दिस रीजन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि योर रिक्वायर्ड सीरीज विल कन्वर्ज इस
के अंदर आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज इधर कन्वर्ज करेगी मोड जेड ग्रेटर देन वन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वालिटीज अगर मैं दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन मोड ऑफ जेड। जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो ये इनइक्वालिटी का साइन पलट जाती है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो यानी कि मैं एक बात ये कह सकता हूँ वन मॉड ऑफ वन अपॉन जेड लेस देन वन। यानी कि इस चीज से मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि मुझे जो चीज है वन अपॉन जेड के ऊपर जो है की पावर्स चाहिए। ठीक है, मतलब ये वन ये चीज मुझे ये सजेस्ट कर रही है कि मुझे वन अपॉन जेड की पावर्स रिक्वायर्ड है। और अगर आप पीछे वाली पार्ट में देखें, पीछे वाले पार्ट में मॉड जेड लिखा हुआ है, मॉड जेड मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे पावर्स किसकी चाहिए, जेड की चाहिए, तो इसलिए मैंने जेड की पावर्स के ऊपर काम किया था। और ये वाले पार्ट के अंदर मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे पावर्स वन अपॉन जेड की चाहिए। तो यानी कि अगर मैं जो है जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन को दिया हुआ एफ ऑफ जेड ओवर वन अपॉन जेड और जेड माइनस वन, तो मैंने कहा क्या है आपसे, मुझे चाहिए वन अपॉन जेड की फॉर्म। तो मैं अगर एक काम ये करूं कि इसमें से माइनस थोड़ा सा एक मिनट इधर दोबारा लिख लेता हूँ। मुझे अगर इसमें देखा जाए, मैं इस वाले जेड को तो खैर ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर इसमें से मैं काम ये करूँ कि मैं आपसे कहूँ कि यार आप ऐसा करें इसमें से जेड कॉमन निकाल लें, तो जेड कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अप वन माइनस वन ओवर जेड हो जाएगा। ये काम मैंने क्या कर रहा हूँ भाई, जो मैंने आपसे क्या कहा है कि मुझे मॉड जेड वन अपॉन जेड लिखा हुआ है, तो मुझे पावर्स वन अपॉन जेड की चाहिए, यानी कि वन अपॉन जेड स्क्वायर। इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये वन अपॉन जेड स्क्वायर जो है ये मुझे जेड इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, और सेंटर ऑफ द सीरीज यानी कि जेड नॉट इन दिस केस इज जीरो, ये सेंटर ऑफ द सीरीज है। सेंटर ऑफ द सीरीज जहाँ पे जिस जो टर्म दे रही होती है उसको आप नहीं छेड़ते हैं, तो ये सेंटर ऑफ द सीरीज दे रही है। और बाकी जो चीज है मैं अगर इसको यूं लिख दूं वन माइनस वन अपॉन जेड की पावर माइनस वन, तो अगेन यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैं और यहाँ से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास पावर्स किसकी आ जाएंगी, वन अपॉन जेड की ही पावर्स आ जाएंगी एज रिक्वायर्ड, यही मुझे रिक्वायर्ड था। तो हमारे पास ये बन जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर इज एज इट इज। और यहाँ पे आप जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ये आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन जेड और प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो वन अपॉन जेड स्क्वायर अगर मैं अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड की पावर सॉरी क्यूब हो जाएगा, एंड ये वन अपॉन जेड की पावर फोर हो जाएगा, ये वन अपॉन जेड की पावर फाइव हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो आप इधर देख सकते हैं कि देयर इज नो एनालिटिक पार्ट यार, एज एक्सपेक्टेड हमें इधर से कुछ बात क्लियरली नजर आ रही थी कि ओनली मॉड जेड ग्रेटर देन वन दिया हुआ, तो यानी कि मॉड जेड ग्रेटर देन वन जब होता है तो प्रिंसिपल पार्ट इस के इधर कन्वर्ट करते हैं ना मॉड जेड ग्रेटर देन वन के लिए, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। तो यानी कि एनालिटिक पार्ट हमें एज एक्सपेक्टेड इधर आना नहीं चाहिए था और इधर आ भी नहीं रहा, एनालिटिक पार्ट इधर टोटली हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट ही आ रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ये प्रिंसिपल पार्ट के बारे में हम ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि डेट दिस प्रिंसिपल पार्ट विल कन्वर्ज फॉर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन। इसी को फिर हमने सिंपलीफाई करके मॉड जेड ग्रेटर देन वन को इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज लगा के कुछ काम किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो ये हमारे पास ये पार्ट बी भी हमने सॉल्व इस तरह से कर लिया। पार्ट ए और बी मेन पार्ट थे, बाकी सी और डी में बिल्कुल सेम प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, बस ये फर्क है सी और डी पार्ट। अगर आप देखें सी और डी पार्ट में फर्क सिर्फ ये है
उसमें सेंटर ऑफ द सीरीज चेंज हो गई। पहले पार्ट ए और बी में सेंटर जेड नॉट जीरो था, और सी और डी पार्ट के अंदर जेड नॉट जो है वो वन हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज सेम चीज है। मैं इसका करवाता हूँ आपको, पार्ट नंबर सी हम देखते हैं। क्या था पार्ट सी? पार्ट सी था 0 < mod z - 1 < 1। तो 0 < mod z - 1 < 1, तो अगर मैं इसको भी प्लॉट करूं कि ये मेरे पास क्या चीज बन रही है, तो देखते हैं हम। इसमें जो है एक अगेन सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर इज एट वन। ये सारी चीजें आपको जो है बनानी आनी चाहिए, हम लेक्चर 4 में इन चीजों को बनाना सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसके अंदर कह रहे हैं मॉड जेड माइनस वन लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब है कि सर्कल का इंटीरियर आएगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि आप सर्कल के सेंटर को एक्सक्लूड कर देंगे। तो सर्कल का सेंटर एक्सक्लूड कर दें, सर्कल का सेंटर है वन, और सेंटर एक्सक्लूड कर दें और बाकी सर्कल का इंटीरियर ले लें, यानी कि इस एन्यूलर रीजन के अंदर आपको सीरीज को एक्सपेंड करना है। तो इधर हमें पावर्स किसकी चाहिए होंगी? हमें मॉड जेड माइनस वन, ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको जेड माइनस वन की पावर्स रिक्वायर्ड है। तो जेड माइनस वन की पावर्स रिक्वायर्ड है, तो यानी कि फंक्शन जो मेरे पास दिया हुआ है, वो फंक्शन के अंदर अगर मैं अब वर्किंग करूं, तो वो वर्किंग कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 / z (z-1). दिस इज योर गिवन फंक्शन। तो जेड माइनस वन की पावर्स में चाहिए, जो सेंटर ऑफ द सीरीज होता वाली टर्म होती है, इसके बारे में हम पहले कह चुके हैं। इसको आप जो है नहीं छेड़ते हैं, बाकी चीजों के ऊपर आप वर्किंग करते हैं। जो 1 / z लिखा हुआ, आप देखें मैंने क्या कहा, जेड माइनस वन की पावर्स चाहिए। अगर अब मैं 1 / z लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1 / z - 1 की पावर्स तो नहीं मिल रही है, और अगर मैं जेड माइनस वन को ऊपर ले जाऊंगा तब भी मुझे जेड की पावर्स मिल जाएंगी। मुझे जेड की पावर्स चाहिए ही नहीं, मुझे जेड माइनस वन की पावर्स चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें जेड माइनस वन अपनी तरफ से लगा देता हूँ। माइनस किया तो ऑब्वियसली मैं इसके अंदर एड भी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 / z - 1 / 1/(1 + z - 1)। अब हो जाएगी पावर, आ जाएगी अब इसकी जेड माइनस वन की, अब आराम से आ जाएगी। आपको इसी की पावर चाहिए थी, तो ये आ जाएगा 1 + z - 1 की पावर -1, और ये आ जाएगा 1 / z - 1। और इधर अगेन वही बाइनोमियल वाली एक्सपेंशन करेंगे। ये सजेस्ट हमें कर रहा था जेड माइनस वन की पावर चाहिए थी, तो मैंने वही काम किया। सेंटर ऑफ द सीरीज जेड इज माइनस वन थी, इस वाली टर्म को मैंने नहीं छेड़ा, दूसरी वाली को छेड़ा। तो भाई मैं अगर इसको ऊपर ले जाता तो ये जेड की पावर आ जाती, इसलिए मैंने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की, इसको नहीं छेड़ा। दूसरे पे मैंने पावर चाहिए थी, सिर्फ 1 / z मुझे कुछ नहीं दे रहा था, तो मैंने 1 को + - करके यहां तक पहुंच गया। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 1 - z - 1 और + z - 1 का स्क्वायर -z - 1 का होल क्यूब + up to so on। और इसको आप अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, बाकी टर्म्स को इधर जगह शॉर्ट है, मैं इधर लिख रहा हूँ। रिमेनिंग स्टेप यहाँ पे ये जेड माइनस वन इधर जाके डिवाइड, अगर मैं इस एक एक टर्म से जाके डिवाइड कर दूं, वी विल गेट 1 / z - 1, और बाकी ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा +z - 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी टर्म्स जेड माइनस वन की पावर्स में मिल रही है, बिकॉज सेंटर ऑफ द सीरीज इज जेड इज इक्वल्स टू 1। तो जो सेंटर ऑफ द सीरीज होती है पावर्स भी उसी की आती है, चाहे कोई भी पावर सीरीज आप पढ़ रहे हो।
अच्छा जनाब, ये हो गया। इसी तरह से मैं कहाँ तक पहुंच गया था, मैं यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा -z -1 का स्क्वायर, और इसी तरह से +z -1 का क्यूब, एंड अप टू सो ऑन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर एनालिटिक पार्ट। ये आपका एनालिटिक पार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल पार्ट। तो ये दोनों आ गए एनालिटिक पार्ट। ये कन्वर्स कहाँ किसके लिए करता है? एनालिटिक पार्ट कन्वर्जेस फॉर मॉड जेड -1 <1 के लिए कन्वर्स करता है, और ये प्रिंसिपल पार्ट किसके लिए कन्वर्स करता है? ये मॉड जेड -1 > 0 के लिए कन्वर्स करता है। ये पीछे हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट सी भी हो गया, एक पार्ट इसका बस रिमेनिंग है, और रिमेनिंग पार्ट देखते हैं वो क्या था। पार्ट डी में कह रहा है मॉड जेड -1 > 1। देखते हैं भाई इसके मीनिंग क्या होंगे। देखें पार्ट डी जो है ना, ये आप समझ रहे पार्ट बी की तरह का ही है। जिस तरह का पार्ट वर्किंग आपने पार्ट बी में की थी, इसी तरह की वर्किंग पार्ट नंबर डी के अंदर भी है। पार्ट डी है मॉड जेड -1 > 1। अगेन मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे पावर्स जो चाहिए जेड -1 की चाहिए। तो ये इस रीजन के अंदर आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, यानी कि मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि मेरे पास इस सीरीज के अंदर एज एक्सपेक्ट हमें एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस सीरीज के अंदर ओनली प्रिंसिपल पार्ट आएगा, इसके अंदर एनालिटिक पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि मॉड जेड -1 > 1 का साइन है। और इस रीजन के अंदर आपके पास जो है प्रिंसिपल पार्ट जो है कन्वर्ट करता है। तो मैं अगर इसमें वही अगेन वही वाला काम जो पार्ट बी में किया था, दोनों साइड पे मैं रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये मॉड जेड -1 > 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 / z -1 > 1। नाउ व्हाट इज फंक्शन गिवन टू यू? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 / z z -1। ये आपका फंक्शन। आपको अब मुझे ये सजेस्ट कर रहा है, ये जो मैंने इधर रीजन निकाला हुआ दिस इसमें इस वाले स्टेप के अंदर, मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मुझे चाहिए पावर्स 1 / z -1 की पावर्स चाहिए। तो ये जो रीजन निकालते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको इसकी पावर्स चाहिए। तो अगर मुझे देखूं 1 / z -1, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, बाकी है ये 1 / z, ये क्यों लिखा हुआ, इसको थोड़ी सी वर्किंग इसके ऊपर करते हैं, -1 + 1 कर देते हैं। टू मेक दिस 1 z - 1, मैंने ये लिखा, ये आ गया z -1 / 1 / 1 + z - 1। अगर मैं इसको ऐसे ही ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे पार्ट सी और डी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। मुझे इधर ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे पावर चाहिए 1 / z - 1 की। अगर मैं इसको एज इट इज ऊपर ले गया, जैसे जो बात मैंने पार्ट बी में की थी वही बात इधर करूंगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स में प्रिंसिपल सेम यूज हो रहा है, तो इसमें भी वही बात कहूंगा कि अगर मैं इसको एज इट इज ऊपर ले गया तो ये मुझे z - 1 की पावर्स आ जाएंगी। मुझे z - 1 की पावर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पावर्स चाहिए 1 / z - 1 की। तो टू मेक दिस 1 / z - 1, आई कैन राइट दिस एज 1 / z - 1 डॉट। इफ आई टेक z - 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा z - 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 1 / z - 1। अगर ये थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेपिंग मैंने किया, मैंने इधर से z - 1 कॉमन निकाला, तो ये 1 / 1 + 1 / z - 1 बन जाएगा। एक z - 1 पहले से मौजूद था, कॉमन निकालने के बाद उसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा। और अब आपके पास कुछ खास काम बचा नहीं है, मतलब अब तो क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। इधर आपके पास ये हो जाएगा 1 / z - 1 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ 1 + 1 / z - 1 की होल पावर -1 हो जाएगी।
अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन, और वही सारी टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। सारी टर्म्स आप देख रहे हैं जेड माइनस वन, 1 अपॉन z माइनस 1 की पावर्स की फॉर्म में आ रही है, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 की पावर 4 अप टू सो ऑन। एज एक्सपेक्टेड, हमने यहाँ पे यही बात मैंने शुरू में कही थी कि हमें एक्सपेक्टेड यही है कि सिर्फ हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट आएगा एंड नो एनालिटिकल पार्ट आना चाहिए, कोई एनालिटिक पार्ट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इसकी वजह यह है कि रीजन ये सजेस्ट कर रहा है कि मॉड जेड माइनस वन ग्रेटर देन वन, और ये रीजन होता है प्रिंसिपल पार्ट की कन्वर्जेंस का। तो प्रिंसिपल पार्ट की कन्वर्जेंस का रीजन है, तो जाहिर सी बात है एनालिटिक पार्ट का इधर क्या काम, कोई काम नहीं है, तो नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए था और आ भी नहीं रहा है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको डिफरेंट, आपको ऐसे ही वर्किंग नहीं करनी है अंधाधुन, आपको थोड़ा देखना है कि आपको रीजन क्या दिया हुआ है और रीजन के हिसाब से आपको पावर किसकी पावर्स रिक्वायर्ड है, सेंटर ऑफ द सीरीज क्या लेना है, पावर्स किसकी लेनी चाहिए। तो ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर चारों तरीके से देखा कि किस किस तरीके से आपके पास आ सकता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये देखना कि कौन से फैक्टर की पावर्स की फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, रीजन क्या दिया हुआ है, इस रीजन के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स आने चाहिए, एनालिटिक पार्ट प्रिंसिपल पार्ट, या सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट आना चाहिए या सिर्फ एनालिटिक पार्ट आना चाहिए। तो इसकी मैंने आपको पहचान बता दी एक स्लाइड के अंदर। मैं अगर दोबारा से ये स्लाइड दिखाऊं आपको, ये वाली स्लाइड, आप ये थोड़ा सा देख लिया करें कि आपको जो है, सॉरी दिस वन, ये वाली स्लाइड में आप थोड़ा गौर से देख लिया करें कि आपका रीजन जो है इन तीनों में से कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर सिर्फ ये वाली फॉर्म लिखी है फर्स्ट वन, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक पार्ट आना चाहिए और इसमें जो पावर्स निकलेंगी मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर्स की फॉर्म में आपका आंसर आएगा और सिर्फ एनालिटिक पार्ट आएगा, अगर सिर्फ ये वाला रीजन लिखा हुआ। और अगर आपका ये वाला रीजन लिखा हुआ, जैसे अभी हमने दो पार्ट्स किए थे अभी एग्जांपल में, पार्ट बी और डी, उसमें ये वाली चीज गिवन थी, तो इसमें अगर सिर्फ ये गिवन है तो इसका मतलब है कि एनालिटिक पार्ट नहीं आएगा इसमें, सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट आएगा और इसमें पावर्स जो आएंगे सीरीज की वो जेड माइनस जेड नॉट की पावर्स की फॉर्म में आंसर आएगा। और अगर एज अ होल ये दोनों कंबाइन करके लिखे हुए, तो इसका मतलब है कि इसमें एनालिटिक एज वेल एज प्रिंसिपल पार्ट दोनों आने चाहिए और पावर्स किसकी आएंगी, जेड माइनस जेड नॉट की पावर्स आएंगी। तो और अगर प्रिंसिपल पार्ट वाला, अगर ये वाला केस है, इसमें थोड़ा सा दोबारा बता दूं, अगर ये चीज लिखी है ग्रेटर देन करके, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रिंसिपल पार्ट आएगा और इसमें ग्रेटर देन के साइन को लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए वी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, और इसमें जो यानी कि प्रिंसिपल पार्ट आएगा तो इसका मतलब है 1 अपॉन z माइनस z नॉट की पावर्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पार्ट बी और डी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास जो है, मैंने जो एग्जांपल कराई है इसमें सारी तरह की चीजें आ चुकी हैं। आप लोग को सजेशन मेरी ये है कि इसके और क्वेश्चंस जो है ये भी ट्राई कीजिएगा खुद से, इंशाल्लाह आपको उसमें बात और ज्यादा क्लियर होगी जब आप खुद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन तो इसी तरह के ही होते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी पावर्स वगैरह डिवाइड डिनोमिनेटर में हो सकते हैं। लिखा हो जेड माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय जेड माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में ये लिखा हो, तो अब स्क्वायर लिखा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बस मेन चीजों, जिन बातों का ख्याल रखना है वो बातें मैंने आपको इधर बता दी। तो फिलहाल मैं आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। हमने आज लॉरेंट सीरीज को डिस्कस किया, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है।